सो हे गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस हमारे गेम के अंदर कोबरा MB40 कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, इसका 100% कंफर्म डेट क्या होने वाला है और ये किस इवेंट में आएगा, इसे निकालने के लिए टोटली आपको कितना डायमंड लगेगा। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में तो गाइस आज की हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी कोबरा बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो की हमें टोकन इवेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप कोबरा बंडल को निकालना चाहते हो, जैसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा, वरना आप कितना डायमंड लग जाएगा। तो गाइस कोबरा बंडल हमारे गेम के अंदर 2024 जनवरी मंथ में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू बॉय स्कार गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें लेवल 1 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, बट लेवल 1 का लुक अभी रेडी नहीं हुआ है। उसके बाद हमें लेवल 2 पे हमें किल अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है, लेवल 3 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें 3 लेवल करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हमें लेवल 4 करने के बाद हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 5 करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप इनमी को किल करते हो तो गाइस इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में इसी 5 लेवल में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है, तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 6 करने के बाद देखने को मिल जाएगा, जिसका लुक काफी खतरनाक दिख रहा है। तो इसी के साथ में लेवल 7 करने के बाद हमें इस बोगन का फाइनल लुक देखने को मिलने वाला है, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस बोगन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 7 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में इसी 7 लेवल में हमें इसका इमोट देखने को मिलने वाला है, बट इसका इमोट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस इसका इमोट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। जब इसका इमोट रेडी हो जाएगा तो गजाने वाले वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ। तो इसी के साथ में लेवल 8 करने के बाद हमें इस गन का फाइनल शॉट देखने को मिलने वाला है, बट फाइनल शॉट भी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस फाइनल शॉट भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसी 8 लेवल में हमें स्पेशल साउंड देखने को मिलने वाला है, जो की ओरिजिनल और स्पेशल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस गन का इतना ही रिव्यू था। तो इसी के साथ में बात करते हैं जनवरी मंथ का बुया पास करीबी के बारे में। तो गाइस बुया पास में हमें लेवल 1 पे हमें किंगफिशर गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका लुक काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला गन का स्किन हमें 30 दिन के लिए देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें लेवल 10 करने के बाद हमें पैराशूट का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला पैराशूट का स्किन में हमें कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस जैसे 10 लेवल में हमें फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो की इस बुया पास का फीमेल बंडल होने वाला है। तो यहाँ पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो की काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला फीमेल का बंडल हमें 10 लेवल में देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 20 लेवल करने के बाद हमें बैनर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हमें 30 लेवल करने के बाद हमें स्काईबोर्ड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला स्काईबोर्ड का स्किन आपको कैसा लगे कमेंट करके बता देना। उसके बाद हमें 40 लेवल करने के बाद हमें जीप का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, बट इसमें हमें एनिमेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला स्किन हमें नॉर्मल स्किन जैसा होने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 50 लेवल करने के बाद हमें पेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी के साथ में 50 लेवल करने के बाद हमें मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इस मेल बंडल को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला मेल का बंडल हमें 50 लेवल करने के बाद देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 60 लेवल करने के बाद हमें अवतार देखने को मिलेगा। 70 लेवल करने के बाद हमें ग्रेनेड का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो की इसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ में हमें लेवल 80 करने के बाद हमें लूट बॉस का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जिसका एनिमेशन काफी खतरनाक दिख रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें 91 लेवल करने के बाद हमें गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें परमानेंट देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला गन का स्किन हमें नॉर्मल स्किन जैसा होने वाला है। तो इसी के साथ में हमें 100 लेवल करने के बाद हमें किंगफिशर गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो की हमें परमानेंट देखने को मिलने वाला है। जिसकी एंट्री बूट की बात करें तो यहाँ पर हमें रेंज डबल होने वाला है, मूवमेंट स्पीड हमें सिंगल देखने को मिलेगा, मैगजीन हमें माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में हमें 130 लेवल करने के बाद हमें साइथ का स्किन देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होगा, जिसका एनिमेशन काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लुक भी देख सकते होगा, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें 140 लेवल करने के बाद हमें बैकपैक का स्किन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला स्किन भी आप स्क्रीन पर देख सकते होगा, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ में हमें 150 लेवल करने के बाद हमें न्यू इमोट देखने को मिलने वाला है, जो कि थ्रोन इमोट जैसा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला इमोट आपको कैसा लगे कमेंट करके बता देना। तो गाइस इस बुया पास में हमें
कुछ इस तरह का रिवार्ड देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी पर्पल स्टेट बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1 आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस पर्पल स्टेट बंडल हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी जॉम्बी समुराई बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जॉम्बी समुराई बंडल हमारे गेम के अंदर वेब इवेंट में देखने को मिल सकता है या फिर हमें टोकन व्हील इवेंट में देखने को मिल सकता है। अगर आप इसे निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1 आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर कोबरा MB40 कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर कोबरा MB40 किस इवेंट में आएगा। तो गाइस ये हमें इवो वोल्ट इवेंट में देखने को मिलने वाला है। अगर आप कोबरा MB40 निकालना चाहते हो, जिसे निकालने के लिए टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1 आप कितने डायमंड लग जाएगा। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर कोबरा MB40 कब रिटर्न में देखने को मिलने वाला है। इसका 100% का अपडेट बताने से पहले अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके उसको जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो गाइस कोबरा MB40 हमारे गेम के अंदर 2024 जनवरी मंथ में देखने को मिलेगा, जो कि हमें 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में देखने को मिलने वाला है। अगर इसका डेट चेंज होता है तो गाइस आने वाले वीडियो में आपको बता देने वाला हूं। तो गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।